हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन दिस चैनल दासावाला फिजिक्स बाय रवि जांगिड। आज क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स सीबीएसई बोर्ड का बहुत ही यूजफुल टॉपिक लेके आए हैं, लेटरल शिफ्ट इन ग्लास स्लैब। इसका मतलब ये है, अगर ग्लास स्लैब से लाइट पास करते हैं तो इंसिडेंट रे के अकॉर्डिंग इमर्जेंट रे कितनी शिफ्ट होती है। तो ये अपने पास एक ग्लास स्लैब है, इसकी थिकनेस अपने ली स्मॉल टी, और ये ए बी है, ये इंसिडेंट रे है, आई इंसिडेंस एंगल है। फिर ये रे डैश डैश वाली ये जो पैटर्न है ये अकॉर्डिंग टू इंसिडेंट है। जैसे ही एयर से ग्लास में, रेयर से डेंसर में लाइट पास होती है तो रिफ्रैक्शन होता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो जो बी सी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो टर्न होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल और उसने एंगल बनाया स्मॉल आर, रिफ्रैक्टेड एंगल। अब स्टूडेंट, जैसे ही अपन इमर्जेंट रे लेते हैं तो ये इंसिडेंट के अकॉर्डिंग कितना शिफ्ट होती है उसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, साइड का शिफ्ट होना। तो ये जो गैप है ये अपन ने ले लिया स्मॉल, एक गैप होता है 1 सेंटीमीटर के आसपास, ये कैपिटल एल ले लिया अपन ने, इसको बोलेंगे लेटरल शिफ्ट। इसकी वैल्यू निकालनी है अपन को, ये 1 सेंटीमीटर के अप्रोक्स होता है। क्लास 12 फिजिक्स लैब के अंदर भी ये एक्सपेरिमेंट है और ये अपन जब आंसर निकालते हैं कैपिटल एल का तो 1 सेंटीमीटर के अप्रोक्स आता है। अब अपन को एंगल समझने हैं, एंगल आई और एंगल आर ये सबको पता है। जैसे स्टूडेंट, अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 30 डिग्री का, तो ये एंगल आर होगा तो ये भी एंगल कितना होगा आर होगा। ये टोटल एंगल आई है तो ये टोटल एंगल भी कितना होगा आई होगा। अच्छा, रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू कितनी है स्मॉल आर है, तो एंगल आई में से अगर आर माइनस करेंगे तो आई माइनस आर, ये एंगल सी बी ई बच जाएगा। तो अपन को दो राइट ट्रायंगल लेने हैं स्टूडेंट। ये जो डैश डैश है परपेंडिकुलर है ये अपन ने बनाया है इधर, और ये बी सी है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसको इमर्जेंट रे बोलेंगे। ये अपने पास यहाँ पे ये एंगल आर अपने फाइंड किया, ये एंगल आर रिफ्रैक्टेड एंगल होता है। अब बच्चों, अगर ये एंगल टोटल एंगल यहाँ से आई है, क्योंकि ये एंगल पूरा आई है और ये एंगल भी आई होगा, अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी कितना का होगा 60 डिग्री का होगा। अच्छा, अगर अपन को ये एंगल फाइंड करना है सी बी ई तो आंसर आएगा आई में से आर को माइनस कर देंगे। अब अपना टारगेट है कि ये कैपिटल एल कैसे फाइंड करें। तो स्टूडेंट, जो सी ई या फिर जो ई सी जो लाइन है वो अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है, किसके अकॉर्डिंग इंसिडेंट रे के अकॉर्डिंग अपन ने ड्रॉ करी है, और अपन ने एक राइट ट्रायंगल बनाया है, इसमें से अपन कोस और साइन दोनों फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन को बी ई सी राइट ट्रायंगल लेना है, बी ई सी राइट ट्रायंगल लेना है, इसमें अपन को फाइंड करना है स्टूडेंट साइन। तो साइन आई माइनस आर, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बी ई सी में परपेंडिकुलर क्या होगा, ये एंगल आई माइनस आर है तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी स्टूडेंट परपेंडिकुलर। तो स्टूडेंट ई सी क्या हो जाएगा इधर परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस क्या होगा बी सी, इक्वेशन फर्स्ट साइन I माइनस आर इक्वल टू ई सी की वैल्यू कितनी होगी कैपिटल L, और बी सी अपन को पता नहीं है, ये इक्वेशन सेकेंड। अब दोबारा यूजिंग राइट ट्रायंगल बी एफ सी, बी एफ सी इसके अंदर अपन को ये एंगल R है तो ये एफ सी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो बी एफ सी के अंदर कोस लगाएंगे, कोस R इक्वल टू होता है अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो आर की सामने वाली साइड क्या है एफ सी क्या है परपेंडिकुलर, और बी एफ क्या होगा बेस, और बी सी क्या होगा हाइपोटेनियस, तो अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो स्टूडेंट हो जाएगा बी एफ अपॉन बी सी, ये इक्वेशन थर्ड। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे अगर L इक्वल टू देखें तो आंसर आएगा बी सी इंटू साइन आई माइनस आर, अपन बी सी की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर देंगे, बी सी इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे बी एफ अपॉन कॉस आर, यहाँ पे स्टूडेंट बी एफ क्या है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, बी एफ की वैल्यू बच्चों यहाँ पे है स्मॉल टी थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। तो इस पर सी बी एस ई बोर्ड में नीट आई आई टी में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो
बी सी इक्वल टू स्मॉल टी अपॉन कोस आर, ये इक्वेशन फोर। इक्वेशन फोर से अपन बी सी की वैल्यू पुट करेंगे एल वाली इक्वेशन में। चलो इसको इक्वेशन फाइव नाम देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फाइव एंड फोर। एल इक्वल टू बी सी की वैल्यू कितनी है, टी अपॉन कॉस आर और यहाँ पे साइन आई माइनस आर। तो स्टूडेंट ये आ गया आंसर। तो वो न्यूमेरिकल्स में क्या करेगा, थिकनेस की वैल्यू देगा, आर की वैल्यू देगा और आई माइनस आर ये अपन निकाल लेंगे, तो इससे लेटरल शिफ्ट आ जाएगा। ये क्लास ट्वेल्थ में प्रैक्टिकल भी है कि इंसिडेंट के अकॉर्डिंग जो इमरजेंट रे कितनी शिफ्ट हुई है, इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। लेटरल इन्वर्जन मिरर के अंदर होता है साइड का उल्टा होना, लेफ्ट का राइट दिखना और राइट का लेफ्ट दिखना, इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। तो स्टूडेंट ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है। थैंक यू, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक।